हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एलजेब्रा में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। ठीक है, 130 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 131 ने हमसे बोला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसी तरह से हमारे सामने तीन टर्म है। अगर हम नीचे वाले टर्म का, अब देखो क्वेश्चन नोट करूँगा तो वो तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। अगर हम नीचे देखेंगे तो ए माइनस बी है, ठीक है, बी माइनस सी है और सी माइनस ए है। घुमा फिर आगे वही टर्म लिखा हुआ है, तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, जो पहला टर्म लिखा हुआ है बी माइनस सी और सी माइनस ए से, जब हम इसे डिवाइड देंगे, बी माइनस सी और सी माइनस ए से डिवाइड देंगे, तो क्या होगा, ए माइनस बी बचेगा। और ए माइनस बी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यू बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी माइनस सी का क्यू बन जाएगा, इसी तरह से सेम सी माइनस ए का होल क्यू बन जाएगा। हो गया। अब क्या कर सकते भाई, ऊपर अगर आप देखोगे, इस टर्म को मैंने मान लिया एक्स, इस टर्म को मान लिया वाई एंड इस टर्म को मान लो जेड। अगर एक्स वाई जेड जोड़ने पर अगर जीरो हैं, तो ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड के। सीधी सी बात है। तो आप देखोगे माइनस का ए है, प्लस का ए, माइनस के भी प्लस का भी, एंड माइनस का सी प्लस का सी, तो ये तो जीरो हो गया। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाता है किसके, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाता है किसके, थ्री एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड हमने क्या माना है, इन तीनों टर्म को, तो थ्री मल्टीप्लाई एक्स कितना है मेरा, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये तीनों टर्म लिख दिए। डिवाइडेड में कितना है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम कराया हुआ है, पहले भी आ चुका है इसी सीरीज में टाइप टू में। ठीक है, थ्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा। देखने में तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, जितना आपको दिखाई देता ना, कहीं क्यू बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूले पर डिपेंड है पूरा का पूरा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, जिसमें हमें दिया हुआ है पी का मान पी इज इक्वल टू 5/18 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे बोला है कि 27PQ, ये तो क्यू है, माइनस 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 पी। तो इसका मतलब ये जो है आपका 3p प्लस 1/6 का होल क्यू है। क्या है ये, 3p प्लस 1/6 का होल क्यू है। तो अब क्या है, सीधी सी बात, अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये निकल के आ जाएगा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। पी की वैल्यू पुट करना है तो 3 मल्टीप्लाई पी कितना है मेरा, 5/18 है, ये माइनस का है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यू बनेगा, माइनस का टर्म है बीच में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/6, तो यहाँ पे 3 × 18 और 5/6 यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, 5/6 में से 1/6 घटाएंगे तो बचेगा कितना मेरा, 4/6, 4/6 को और काटेंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6 एंड 2/3 पर क्यू लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, तो 8/27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/27 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो फॉर्मूले को पहचानना सीखो। ठीक है, जहां आपको दिखाई दे रहा है हाँ यहां पे बन रहा है, लगा दो फिर कुछ ना कुछ, ठीक है, अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, 133 133 टाइप 2 का क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है 331, बी बराबर दिया हुआ है 336 एंड सी बराबर दिया हुआ है माइनस का 667। अगर ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर अगर जीरो हैं, तो फिर जो हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, फिर इसे भी ऐड करूं, तो माइनस हो जाएगा। आप ऐड करोगे वो माइनस ही होगा भाई, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 6 और 1 7 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 6। तो मतलब ये तो प्लस में है, ये माइनस में, तो तीनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है भाई, जीरो। तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर भी जीरो हो जाएगा। यह हमारा आंसर है जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 134 की। और 134 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। 134 ने हमसे बोला है क्या, 134 बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 332 एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ 333 एंड z इज इक्वल टू दिया हुआ 335। ये हमें टर्म दिया हुआ है और हमसे बोला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। इसमें तो भाई तीनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, जीरो तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, जब जीरो नहीं बन रहा है तो आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर होता है, 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स टर्म में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर लेते हैं तो 5, 3, 2, 5, 0, 10 तो ये बैठेगा आपका 1000 ही बैठेगा, 300, 300, 300, 900 बाकी का ऊपर है 1000 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक्स माइनस वाई, एक्स 32 में से 33 गए या 33 में से 32 गए तो एक होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखेंगे वाई माइनस जेड, वाई में से जेड को घटाएंगे 3 है, यहाँ पर 5 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ जेड माइनस एक्स मतलब 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 गए तो 3 बचे और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, स्क्वायर करने पर सब पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 और 4, 13 और 1, 14 तो मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 14 तो 2 से इसे काट दो, 2 × 7 = 14 आंसर कितना हो जाएगा, 7 × 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135 आपकी स्क्रीन पे देखने में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज बन रही है, सीधी सी बात है। तो इस केस में आप जो है सिंपली ए बराबर बी बराबर सी कर दीजिए। क्या कर दें हम, ए बराबर बी बराबर सी कर दें और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे देखो, एम माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है, नीचे बी स्क्वायर की जगह भी हम क्या रख देंगे, ए स्क्वायर बना रहे हैं, हम तीनों को बराबर कर रहे हैं प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह से तीनों टर्म सेम हो जाएंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे कितने टर्म बनेंगे, 3 टर्म बनेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू में हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा तो m माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। m की वैल्यू निकालनी है हमें तो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ कर रहा है तो m का मान बताओ, तो a स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया ना, ये आंसर नहीं, अभी देखो 3a स्क्वायर कैसे बना, 3a स्क्वायर ऐसे बना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर। भाई ये ऐसा तो हमने बना दिया है लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, a स्क्वायर तो अपनी जगह सही है लेकिन ये b स्क्वायर था, हमने a स्क्वायर बना दिया क्योंकि हम सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर ले और ये c स्क्वायर था। तो मतलब जो राइट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, दोबारा चेंज आपको करना होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, 136 में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, 136वें क्वेश्चन में क्या दिया है, m इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड n इज इक्वल टू माइनस का 2 और हमें एक इक्वेशन टाइप दे रखी है, हो सकता है यहां पर कोई फॉर्मूला बन रहा हो। क्या लिखा हुआ है, एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m, ठीक है, प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस n क्यू, कहीं ना कहीं m और n के अंदर q, देखो एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 और कर दूं अगर मैं इसमें तो m माइनस 1 का होल क्यू हो जाएगा ये, तो मैं क्या कर देता हूँ, एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, मेरी तरफ से प्लस 1 हो गया, नहीं माइनस का 1 आएगा ना, किसका आएगा,
माइनस कब बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो m माइनस वन का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 3n, इसे हटा दो अभी ये वाला टर्म पहले ले लो, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, मतलब तुमने यहाँ पे माइनस वन अपनी तरफ से किया तो प्लस वन भी तो अपनी तरफ से लगाओ भाई, इसे तो बिल्कुल हटाना होगा ना, प्लस वन माइनस वन कट जाएंगे, अपना अपनी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है n प्लस वन का क्यू, m और n की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है माइनस फोर माइनस वन का क्यू प्लस n की वैल्यू कितनी है माइनस टू प्लस वन का क्यू, माइनस वन माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस का फाइव का क्यू, सीधे माइनस 125 लिख लीजिए नो प्रॉब्लम, माइनस के 1 का क्यू, ये माइनस 125 प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 126, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो 126 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है माइनस का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे हैं, अब धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी उम्मीद करता हूँ, बहुत टेढ़ी खीर है वैसे अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 137, नेक्स्ट पेज पर 137 में दिया हुआ 1/x, 137 देखिएगा सबसे पहले 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है इज इक्वल टू दिया हुआ 0, एलसीएम कितना हो जाएगा xyz, ऊपर कितना बचेगा x से डिवाइड करूँगा yz बचेगा प्लस y से डिवाइड करूंगा xz बचेगा प्लस z से डिवाइड करूंगा तो xy बचेगा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये जीरो हो जाए, मतलब इसको यहां पे ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो xy प्लस yz प्लस zx बराबर हो जाएगा जीरो के, पहली कंडीशन ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरी जगह हमें दे रखा है x प्लस y प्लस z। अब आपको इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए फॉर्मूला पुट करके, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट समझेंगे धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे, जब भी कभी दो मुझे इक्वेशन दे रखी है इस टाइप से, ठीक है दो इक्वेशन दे रखी है और उनमें जो है तीन टर्म है, कितने तीन टर्म दे रखे हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी इस टाइप से, तो आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो, या तो आप एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर आप वाई इज इक्वल टू जीरो कर दो, या आप जेड इज इक्वल टू जीरो कर दो, क्यों, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो फॉर्मूले पर करा दिए हैं, ठीक है आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैंने मान लो कि यहां पर कर दिया जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है क्वेश्चन पूछ के आ रहा है वो सबसे बड़ी बात है, वो भी लिख लेते हैं, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा, ठीक है तो एक बात बताओ, एक्स जेड अगर यहां पर जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, जेड क्यू जीरो का क्यू ये टर्म जीरो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, बस ये करना है जेड इसमें से हटा दो ये तो जीरो है भाई, जेड इसमें से हटा दो ये भी जीरो हो जाएगा, जेड इसमें भी है ये भी जीरो हो गया, आप कोई भी टर्म जीरो कर सकते हो जब हमारे पास दो इक्वेशन तीन टर्म वाली दे रखी होती है, तो ठीक है अब यहाँ पे क्या एक्स वाई का मान जीरो है, एक्स प्लस वाई 11 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पता होना चाहिए, ये मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, ठीक है बेसिक वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है एक्स प्लस वाई का क्यू, ठीक है प्लस में तो माइनस हो जाएगा 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, देखेंगे x प्लस वाई का क्यू, x प्लस वाई का x प्लस वाई का मतलब है 11 का क्यू, 11 का क्यू कितना होता है 1331 माइनस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई का मान कितना है भाई, एक्स वाई का मान तो जीरो है, तो 3 मल्टीप्लाई जीरो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई तो बचा हुआ बस ये तो कट ही गए, तो जीरो है इंटू एक्स प्लस वाई कितना है मेरा एक्स प्लस वाई है 11, तो जब मैं जीरो में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो बचा कितना मेरे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1331, समझ गए, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से नोट कीजिएगा या फिर आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जैसे मैं स्टार्टिंग से करा दिए हैं मैंने फॉर्मूले पर भी इसी वजह से, ठीक है जैसे कि आप ये ना बोलो कि आप ऐसे कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 में x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसमें देखो एक छोटी वैल्यू दे रखी है, आप चाहो तो फॉर्मूला बना लो,
ठीक है, फॉर्मूला ही है, या फिर आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। मैं तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दो का क्यू है पहले टर्म पे, ठीक है, दो का क्यू कितना होता है 8 होता है, प्लस 27 इंटू एक्स स्क्वायर 2 × 4 प्लस 2 × 4 = 3 मल्टीप्लाई कितना 2 प्लस 6 = 3 = 1। बस मल्टीप्लाई तो करना है, 8 प्लस 4 × 7 = 28 कि 8 × 2 = 4 × 8 = 9 = 10 = 108 प्लस 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 2 × 4 प्लस 6 = 3 = 1 प्लस कर लेते हैं तो 6 और 1 = 7 7 8 15 15 और 8 23 का 3। तो लास्ट में देख लो, यूनिट प्लेस अगर 3 है तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला जो कि हमें दिया हुआ 1 2 3 3 कितना हो जाएगा 1 2 3 3 क्योंकि इसी में बस 3 है और किसी में है नहीं, ये हमारा लक है, अदरवाइज आप पूरी सीरीज प्लस करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, 139 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 139 में दिया हुआ है आपको कि 5x प्लस 9y इक्वल टू 5 और हमसे बोला x 125 एक्स क्यू, तो मतलब इसका क्यू हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो क्यू कर ही दो आपकी इच्छा। 5 का क्यू कितना 125 एक्स क्यू प्लस 9 का क्यू कितना 729 वाई क्यू प्लस 3xy, तो 3 इंटू एक्स कितना है 5x है, इंटू वाई कितना है 9y है, एंड ब्रैकेट में हो जाएगा 5x प्लस 9y एंड इज इक्वल टू में 5 का क्यू कितना 125, यही तो होगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ध्यान से अगर आपको दिखाई दे रही हो तो 120, तो इसकी जगह 120 रख दो, प्लस 5 × 3 = 15 15 135 135 एक्स वाई इंटू इसका मान कितना है भाई, इसका मान तो 5 दिया हमें, इज इक्वल टू 125। इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो बचेगा कितना 120, तो 135 इन एक्स वाई इंटू 5 इज इक्वल टू कितना बचेगा 5, क्योंकि 120 घटा देंगे 125 में से, 5 से 5 कट गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 1 मान लो इज इक्वल टू 1/, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 135, एक्स वाई का मान कितना 1/135, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 140 तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है ध्यान से देखिएगा 140 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समझते चलो, ठीक है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया हुआ है हमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3, इसी तरह से y इज इक्वल टू 4 कर देंगे, इसी तरह से z इज इक्वल टू 5 कर देंगे, तो x y z का मान निकल आया, हमसे पूछा x प्लस y प्लस z, x का मान कितना है 3 प्लस 4 प्लस 5 5 × 4 = 9 10 11 12, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव में 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।